हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जयसवाल आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी चैनल में। आज आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के 7 सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में, जो कि आपको पता नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक करके कौन कौन से वो सीक्रेट सेटिंग्स हैं। तो सबसे फर्स्ट सीक्रेट सेटिंग है, जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज करता है बाद में डिलीट कर देता है तो आपको पता नहीं चलता कि उस मैसेज में आपको क्या लिखा हुआ था, उसने क्या सेंड किया था। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऐप का नाम है WAMR, जो कि देखने में कुछ इस तरह से है। उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिलीट हो चुका है 525 का था। उसके बाद WAMR ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे तो जैसे देख सकते हैं 524 जस्ट एक मिनट यहाँ आगे पीछे हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड होकर दिखा रहा है कि ये मैसेज मतलब डिलीट हो चुका है, क्योंकि तो मैसेज में लिखा था हाय। तो बहुत आसानी से आप डिलीटेड हुए किसी भी मैसेज को यहाँ से इस ऐप की मदद से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्रेट टिप्स है, किसी भी टेक्स्ट मैसेज को दूसरे फॉर्मेट में भेज सकते हैं, जैसे कि बोल्ड में, इटैलिक में, स्ट्राइक में। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप भेज सकते हैं। जैसे कि आपको बोल्ड में भेजना है तो इसके लिए आपको टाइप करना है आपके कीबोर्ड में स्टार, और जिस मैसेज को भेजना है उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे कि हाय भेजना है मेरे को। उसके बाद फिर से स्टार से इसे लॉक कर देना है। उसके बाद आप इसे सेंड करेंगे तो ये बोल्ड में सेंड होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, और सामने वाले को भी रिसीव होगा ये बोल्ड फॉर्मेट में। अगर आपको करना है इटैलिक फॉर्मेट में तो इसके लिए आपको अंडरस्कोर हाय भेजता हूँ, फिर अंडरस्कोर, फिर इसे भेज देंगे तो ये इटैलिक फॉर्मेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इटैलिक फॉर्मेट में सेंड हो गया। अगर आपको भेजना है स्ट्राइक फॉर्मेट में, इसके लिए आपको इस सिंबल को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हाय, फिर उसके बाद आपको इस सिंबल से इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको इसे सेंड कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं स्ट्राइक फॉर्मेट में ये सेंड हो चुका। तो इसी तरह आप बोल्ड स्ट्राइक और इटैलिक फॉर्मेट में भेज के आप अपने फ्रेंड को शॉक में डाल सकते हैं कि कैसे आपने ये भेजा। इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्रेट ट्रिक है, जैसे कि ग्रुप में बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोस आते रहते हैं, आप चाहते हैं कि उस फोटो वीडियो को गैलरी में शो ना हो या फिर डाउनलोड हो ना हो, तो इसके लिए आप सिंपल सा ग्रुप के नेम पे क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ मीडिया विजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यस रहेगा तो इसे आप नो कर देंगे। नो करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी मीडिया जैसे फ़ोटो वीडियो जो भी रिसीव होगा वो आपके गैलरी में शो नहीं होगा, वो यहाँ के यहीं रह जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्रेट ट्रिक्स है, रीजन लैंग्वेज, जैसे कि आप अपने लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इस तरह से कई सारे लैंग्वेज है। तो यहाँ से आप अपने रीजन लैंग्वेज में बात कर सकते, व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है 3 डॉट आइकन पे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको चैट में जाने के बाद यहाँ पर ऐप लैंग्वेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हिंदी मिल जाता है, बंगाली मिल जाता है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से आप बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्रुप या फिर नॉर्मल मैसेज में कुछ चैट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसे आप बहुत आसानी से बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो स्टार मार्क है इसे बुकमार्क कर लेना है। कर लेने के बाद
जब भी आप चैट ओपन करते हैं या आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उस चैट के अंदर ढूंढना चाहते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। या फिर कुछ चैट है जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको ये ले लेता हूँ, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे आप बुकमार्क कर सकते हैं। बाद में अगर आप जाते हैं उस चैट में तो वहाँ पर आपको स्टार मार्क दिखता है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो इसी तरह से बहुत आसानी से आप इंपॉर्टेंट मैसेज को बुकमार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्रेट ट्रिक्स है, जैसे कि रिसेंट किसी के साथ चैट कर रहे हैं आप, उसे बहुत आसानी से उस चैट को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, जिस चैट को आप हाइड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ आर्काइव पे क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो रिसेंट में चैट कर रहे थे भाई के नाम से, वो यहाँ से हट गया। अगर इसे आपको रिटर्न लाना है तो इसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आर्काइव्ड वन करके है, इस पर सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसको फिर से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आर्काइव पे क्लिक कर देना है, तो फिर से वो नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा। ये आपको तब बहुत ज़्यादा हेल्प होगा जब जैसे कि आपका कोई मोबाइल चेक करता है कि आप किसके साथ चैट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्रेट सेटिंग है, विदाउट किसी का नंबर सेव किए आप डायरेक्टली उससे चैट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक URL आपको टाइप करना है, जैसे कि https://wa.me/ और आपके कंट्री का कोड, जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड है 91। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, उसके बाद आपको इसको सिंपल से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, उसके बाद विदाउट नंबर सेव किए बहुत आसानी से यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन सारे सीक्रेट ट्रिक्स में से कौन सा ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो आपको पसंद है, तभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के रखे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।